गुड इवनिंग दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट फॉर मी दोस्तों। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों। ये रिक्वायरमेंट दोस्तों है गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और यहाँ पे जो पोजीशन है ये क्लार्क की पोजीशन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अराउंड 10 की जॉब ओपनिंग आई है। यहाँ पे 3 पोजीशन की जॉब ओपनिंग है, तीनों पोजीशन क्लार्क की है। वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो को स्किप ना करना दोस्तों। नहीं तो डिटेल जानकारी, सैलरीज, कौन से कैंडिडेट, कौन से प्रकार के कैंडिडेट्स, कौन से क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ये पता नहीं चलेगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। चैनल पे पहली बार आए हो और आपको इसी प्रकार की गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब ओपनिंग चाहिए तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना, बेल आइकन को भी दबा देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ऑल पे भी क्लिक कर लेना दोस्तों, जिससे मेरी जो भी जॉब ओपनिंग आएगी वो घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी दोस्तों। ध्यान रखना है दोस्तों, मेरी सारी जॉब ओपनिंग फ्री होगी, लेकिन गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन के फॉर्म्स के चार्जेस होंगे वो तो आपको पे करने होंगे, वो भी ऑनलाइन करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, सारी डिटेल्स और जानकारी आपको विस्तार से समझ में आएगी और मैं बताऊंगा भी। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा ये रेलवे गवर्नमेंट में जॉब ओपनिंग है। यहाँ पे 10 की पोजिशन है और क्लार्क की पोजिशन है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों 10वीं 12वीं ग्रेजुएट और ITI ये सब फ्रेशर कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पे वही कैंडिडेट अप्लाई करे जिसका क्वालिफिकेशन 10 पास हो, 12 पास हो, ग्रेजुएशन पास हो। ग्रेजुएशन में कोई भी स्ट्रीम का चलेगा, चाहे वो BA हो, BCOM हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, या डिप्लोमा किया हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ITI का डिप्लोमा भी चलेगा, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा भी चलेगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट, यहाँ पे दोस्तों वही कैंडिडेट अप्लाई करे जिसका एज 18 से लेके 25 साल हो दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका 18 से लेके 25 साल एज वाला ही जॉब के लिए अप्लाई करे। यहाँ पे मेल और फीमेल का कोई ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर नहीं किया है, फीमेल भी अगर हो सके तो जॉब के लिए अप्लाई करे। वीडियो में दोस्तों सारे चीज़ और डिटेल्स मैं विस्तार से बताऊंगा। हो सकेगा तो पेन और बुक नोट डाउन लेके बैठना दोस्तों, लिख के लेना दोस्तों, नहीं तो आपको वीडियो को रिवर्स और फॉरवर्ड करके बार बार देखना पड़ेगा, नहीं समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना दोस्तों, आपके साथ साथ किसी और भाई बहन का फायदा हो जाए। गवर्नमेंट की जॉब है दोस्तों, ध्यान रखना है सैलरी काफ़ी अच्छी है। सैलरी यहाँ पे दोस्तों स्टार्टिंग से सैलरी यहाँ पे 37,000 से स्टार्ट है, 65,000 तक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये रियलिटी है, फेक है नहीं है दोस्तों। इक्का दुक्का लोग दोस्तों अगर कोई मेहनत करके कामयाबी कि बुलंदी पे अगर पहुंचने की कोशिश करता है या पहुंच भी रहा है तो एक दो लोग भाई लोग जरूर मिलते हैं जो कमेंट्स करते हैं ये झूठ है ये फेक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मुझे भी रिसेंटली, मैंने अभी एक धीरू भाई अंबानी कंपनी में मैंने स्कूल में रिक्वायरमेंट निकाली दोस्तों, वो तो मेरी कंपनी में ही है। मुझे अब भी एक भाई ने कमेंट्स किया है कि ये झूठ है, लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहूँगा, मैं अपने बहनों से कहना चाहूँगा, मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि फेक अगर है तो मैं फेक क्यों बनाऊंगा, झूठ मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा दोस्तों। थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए कि मैं सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, रात को 10 बजे, रात को 12 बजे, रात को 2 बजे, 2:30 बजे मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं? झूठ, झूठ से मैं खुद ही नफरत करता हूं, तो मैं झूठ वीडियो क्यों बनाऊंगा दोस्तों? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि झूठ बना के मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, झूठ बोल के मुझे क्या मिलने वाला है? मैं अगर झूठ बोल के आप लोग से गूगल पे, फ़ोन पे या कुछ मैं पैसे ट्रांसफ़र करने की बात करता, तो अगर पैसा ट्रांसफ़र होने के बाद मैं फ़ोन बंद कर देता, वीडियो बनाना बंद कर देता, फ़ोन उठाना बंद कर देता, तो आप मुझे बोल सकते थे कि आप झूठ बना रहे हो, वीडियो आपका वीडियो फेक बना रहे हो आप। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ दोस्तों, मेरी सारी वीडियोज़ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरी सारी ओपनिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट आए। मैं तो 1 रुपया भी नहीं ले रहा हूँ दोस्तों किसी, सिर्फ आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, ट्रस्ट, विश्वास, बस यही चीज़ चाहिए दोस्तों। और यही चीज़ मैं लेके जाना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ से, सिर्फ एक यादगार आपके दिलों में बैठा के जाना चाहता हूँ। अगर किसी भी एक भाई को, अगर मेरे एक वीडियो से दोस्तों, अगर किसी एक भाई को भी दोस्तों पूरे महीने भर में एक भाई को भी अगर जॉब मिल गया ना दोस्तों, तो उस एक भाई के घर में 10 लोग खाने वाले होंगे, तो वो 10 का आशीर्वाद मुझे चाहिए दोस्तों। मेरा मेन मकसद यही दोस्तों, आप लोग की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं, जबान दी है, मीठी जबान दी है दोस्तों, बस मेरे को इतना विश्वास है, इतनी ताकत है मुझे अपने मोटिवेशन पे, अपने सहनशीलता पे और शक्ति पे बहुत ताकत है दोस्तों। कभी टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा तो एक अपने घर का भी फैमिली वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। जिस दिन आपको मेरा वीडियो मिलेगा दोस्तों, आपके पैर के नीचे से ज़मीन हिल जाएगी कि मैं किस तरह स्ट्रगल कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस हौसला, जिस दिन हौसला आपने तोड़ दिया दोस्तों, समझ जाना उस दिन घर का मुखिया जिस दिन हार गया दोस्तों, समझ जाना उसकी नैया डूब गई। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मुझे सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना है। हाथी जब आगे चलता है रोड पर तो सिर्फ उसे आगे का दृश्य दिखाई देता है, जब घोड़ा दौड़ता है
तो सिर्फ उसका लक्ष्य पे टारगेट होता है। मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है दोस्तों कि मुझे हर एक सिटीज़ में, हर एक लोकेशन में, मुझे हर एक कैंडिडेट, हर एक बच्चा, हर एक बुज़ुर्ग, हर एक माँ, हर एक बहन, हर एक भाई मुझे जाने पहचाने दोस्तों। मैं निस्वार्थ काम कर रहा हूँ दोस्तों और निस्वार्थ काम हमेशा करूँगा। मुझे पता है ऊपर बैठा है देने वाला, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमेशा सच बोलो, सच्चाई की राह पे चलो, गलत संगत मत करो और मदद करो दोस्तों लोगों को। एक को मदद करो, एक को बोलो, तीन को मदद करो, तीन को बोलो, सौ को करे, धीरे धीरे दोस्तों सारे के थोड़े थोड़े पुण्य आपको मिलेंगे दोस्तों और कहीं ना कहीं मुझे भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बुक और पेन नोट डाउन करके रखना दोस्तों। ये जो जॉब ओपनिंग है दोस्तों, ये गवर्नमेंट में है, ये रेलवे गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट दोस्तों क्लार्क की है, तीन पोजीशन की है दोस्तों। यहाँ पे टोटल 10 की रिक्वायरमेंट है। सैलरी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे सैलरी 37,000 से लेके 65,000 तक है दोस्तों। आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैं वहाँ ऑनलाइन फॉर्म का लिंक दे दूंगा दोस्तों, उसे आपको ओपन करना है। मैं हो सकेगा तो दोस्तों, टाइम फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना ली, काफ़ी टाइम निकल गया, मुझे एडिटिंग करना बाकी है दोस्तों। मैं टाइम निकाल के दोस्तों हो सके तो या तो अभी नाइट में या तो कल मॉर्निंग में वीडियो पोस्ट कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। हो सकेगा तो मैं वीडियो के स्क्रीन के ऊपर भी चला दूंगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हो सकेगा तो राइट साइड में एक मैं वीडियो का स्क्रीन निकाल के एक वीडियो लाइव स्क्रीन में हो सके तो चलाऊंगा दोस्तों कि आपको कैसे अप्लाई करना है जॉब के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मैं अभी बता भी रहा हूँ और हो सकेगा तो एक रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों मैं वीडियो के राइट साइड में चलाऊंगा दोस्तों। शायद हो सकता है आपको वहाँ से भी कुछ हेल्प मिल सके। मेरा नंबर भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कुछ जरूरत पड़ेगा तो मुझे व्हाट्सअप करना, जैसे कमेंट्स करना दोस्तों। मैं लाइव आपको फ़ोन करके समझाऊंगा दोस्तों, इतना भरोसा रखना, मैं आपको सामने से कॉल करके समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। मेरा मेन मकसद है कि एटलीस्ट एक को जॉब मिलेगा तो एक में से 10 लोग को खाने वाले होंगे, तो 10 का आशीर्वाद प्यार मुझे चाहिए दोस्तों। और मेरा आशीर्वाद है, मेरा सपोर्ट है कि आप लोग को जॉब मिले और आप लोग पास हो जाओ दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों फॉर एडवांस, ठीक है दोस्तों। हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, आपको जो इसका वेबसाइट है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे जो पोजीशन है दोस्तों सीनियर क्लर्क की है। यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम का ग्रेजुएशन बंदा, बीए, बीकॉम, आर्ट्स साइंस वाला बंदा, सिर्फ ग्रेजुएट यहाँ पे है। सीनियर क्लर्क है, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। जूनियर क्लर्क के लिए 12वीं पास चाहिए और टेक्नीशियन ग्रेड 3। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे दोस्तों 10 क्लास चाहिए और ITI बंदा चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टेक्नीशियन के लिए ITI बंदा और 10 पास चाहिए दोस्तों। उम्र मैंने बता दिया है, 18 से लेकर 25 साल वाले ही जॉब के लिए अप्लाई करें। सैलरी मैंने बता दिया है यहाँ पे 37,000 से लेकर 65,000 तक है। आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है दोस्तों। बी कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू देते समय नज़र मिला के HR से बात करना, कॉन्फिडेंस से बात करना, रुकना नहीं है, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करना, 100% पास हो गया। आप ध्यान रखना है दोस्तों, इंटरव्यू देते समय HR के नज़र में नज़र मिला के बात करना, नज़र छुपा के यहाँ वहाँ आप देख रहे हो, हाथ हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, वो आपको रिजेक्ट कर देगा दोस्तों। इसका मतलब आप सामने लेकर इंसल्ट कर रहे हो, वो इंटरव्यू में आपको पूछ रहे, आप नज़र नहीं मिला रहे, यहाँ वहाँ देख रहे हो, वो समझ जाएगा कि आप मेरा इंसल्ट करो, रिजेक्ट कर देगा। आपको सामने से नहीं बोलेगा, आपको बोलेगा हम बाद में बताते हैं, 100% रिजेक्शन होगा दोस्तों। HR में दोस्तों 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे शेविंग पे मत जाना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, क्लीन रहना है हमेशा आपको डेली जॉब पे, अच्छे कपड़े पहनने हैं, इन करना है, टाई पहनना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। कोई डाउट है तो टाई का भी मैं बताऊंगा, टाई कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, सैलरी मैंने बता दिया है, एज मैंने बता दिया है। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो फॉर्म का फीस है दोस्तों, यहाँ पे 250 से लेके 500 रुपये तक है। OBC के लिए 500 रुपया है और ST के लिए जो सिविल कास्ट वाले हैं उनके लिए 250 रुपया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये आपका इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और एक स्क्रीन पे भी दोस्तों मैं वीडियो चलाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे आपको अंदर जाके डिटेल सब देखना है, समझना है और फॉर्म भरने हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लाइव है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, लिंक पे आप क्लिक करोगे पूरे डिटेल्स ओपन हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका एड्रेस जो है दोस्तों ये चेन्नई का है। जी हाँ दोस्तों, आपको चेन्नई में सीधा ऑफिस में जाके इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, इंटरव्यू आज से स्टार्ट हो गए हैं, सॉरी इंटरव्यू आज से स्टार्ट नहीं हुआ दोस्तों, फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हुआ है, सॉरी दोस्तों फॉर्म भरना आज से स्टार्ट हुआ है। और एड्रेस चेन्नई का है दोस्तों, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हो सके तो मैं वीडियो के स्क्रीन पे भी चला दूंगा, ठीक है। ये चेन्नई का एड्रेस है। आपको इसका जो इंटरव्यू का डेट है दोस्तों 4 तारीख है, 4 फरवरी का है दोस्तों। फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है, 4 दिन के बाद ही चालू हो जाएगा। जैसे ही वीडियो मिलता है दोस्तों तुरंत आप फॉर्म भरना चालू कर दो। ध्यान रखना दोस्तों, इंटरव्यू जो 4 तारीख को स्टार्ट होगा, आपको जाते समय आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने, जेरोक्स लेके जाने, बायोडाटा लेके जाने, शेविंग करके फॉर्मल टाई भी पहन के जाने हैं दोस्तों। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, जेरोक्स कॉपी का सेट बना लो, 2-2, 3-3 का फोटो लगा लो रिज्यूम के ऊपर राइट साइड्स में, उसके पीछे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगा दो, चाहे सर्टिफिकेट, कबड्डी, NCC जो भी है, व्हाटएवर सब लगा दो। वो डॉक्यूमेंट्स देख के पागल हो जाना चाहिए, 50% सिलेक्शन उधर ही हो जाना चाहिए आपका,
ठीक है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे, भरने के बाद पेमेंट करोगे, उसका रिसिप्ट कॉपी और वो फॉर्म जो भरोगे उसको डाउनलोड करना दोस्तों। डाउनलोड का फॉर्म जरूरी है इंट्रो के समय, नहीं तो आपको इंट्रो में अंदर घुसाया नहीं जाएगा, आपको इंट्रो के लिए अंदर नहीं लिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड करना है, रिज्यूम के पहले फॉर्म लगाना है, उसके बाद रिज्यूम लगाना है बायोडाटा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाना। चैनल पर पहली बार आए हो, इसी प्रकार की जॉब ओपनिंग गवर्नमेंट की आपके पास घर बैठे चाहिए तो प्लीज़ चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लो, बेल आइकन को भी दबा दो, ऑल पे भी क्लिक कर लो, जिससे मेरी आने वाली जो भी जॉब ओपनिंग होगी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डायरेक्टली मिलेगी दोस्तों। फ्री ऑफ कॉस्ट, नो टेंशन, नो दलाल, नो ब्रोकरेज, नो प्लेसमेंट, डायरेक्ट मिलेगी दोस्तों। इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड करो दोस्तों, जिससे जरूरत मन को जॉब मिल सकेगा। मेरा वीडियो बनाने का दोस्तों गला बैठ गया है, वीडियो बनाने का मेन मकसद पूरा हो जाएगा दोस्तों। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम, गुड नाइट और बेस्ट ऑफ लक फॉर दोस्तों। सिलेक्शन हो जाता है, जॉब मिल जाता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट एंड थैंक यू सो मच।